करवा दे तो पूरा दे पूरा दे। गुड गुड यहाँ पे ये नहीं है एकदम पीछे आना खत्म पीछे आओ फुल मिलेगा फुल चाहिए अपने को फुल ये नहीं है मैम मैम होल्ड 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 डन डन थैंक यू मैम नीचे ये जो सेंटर कैमरा है मैं तो ये मेन कैमरा ओके वहां पे रोल रेडी रोल ओके मैम नई शुरुआत होने जा रही है एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में काफ़ी कुछ बातें होती है लाइक इट्स कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्टली किस तरह से व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस अबाउट इट I mean, the one thing that's synonymous with Jules and me is hum dono hi bahut hi hame bahut pyar hai pet se. So you know, this is a cause that resonates both with Jules and me. और स्ट्रेज के लिए काफ़ी कुछ किया है जूल्स ने पहले भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हुए हैं जूल्स की तरफ से जो उनके वेलबींग को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं एंड आई थिंक ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जहाँ पे जूल्स और हम दोनों ने हाथ मिलाया है फॉर द वेलबींग ऑफ एनिमल्स और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जितने भी पेट लवर्स हैं कि अपने तरफ से थोड़ा बहुत जितना भी हो सके दे शुड कंट्रीब्यूट सो दैट द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस फॉर स्ट्रेस एक्चुअली जूल्स के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ आई हैव बीन डूइंग थिंग्स विद जूल्स अर्लियर बट दिस वाज समथिंग दैट जस्ट रेजोनेटेड विद मी एंड आई वाज लाइक ये करना चाहिए हमें एंड फाइनली इट्स हैपेंड सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स फाइनली हैपेंड एंड it's good for millions of homeless strays I mean the little bit that we can do together and street dogs ki main baat karu kafi zyada india mein jis tarah street dogs ki sankhya jo badh rahi hai kafi zyada badh rahi hai to logo se aap kya kuch message kya kuch sandesh dena chahoge बस यही है हम अपने तरफ से यहाँ पे 3 महीने का खाना फॉर द कैट्स एंड डॉग्स वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एंड टेक केयर ऑफ द एंटायर वेल बींग बाकी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी जो भी पेट लवर्स हैं हु फील फॉर द स्ट्रेज डू द लिटिल बिट दैट दे कैन एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी खुशी होती है एक एक्ट्रेस जो रेगुलरली लाइक इतने बिजी रहते हैं वो बिजी शेड्यूल से आते हैं हाथ मिलाते हैं एंड शी इज गोइंग टू डू मेनी मोर थिंग्स कितनी खुशी होती है आपको सो मेरा मैं रूल्स से संपर्क रखती हूँ आई एम द ब्रांड हेड फ्रॉम रूल्स माई नेम इज़ मीतू पॉल एंड नेहा से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है जैसे कि उन्होंने कहा एंड रूल्स का 10 साल का इतिहास है जहाँ पे हमने पेट न्यूट्रिशन को बहुत वैल्यू दिया है रूल्स खुद इंडियन ब्रॉयलर ग्रुप का एक पार्ट है एंड इंडियन ब्रॉयलर ग्रुप इंडिया का वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटीन इंटीग्रेटर है सो पेट्स के लिए क्या खाना सही है क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए एंड न्यूट्रिशन से उनकी लाइफ को कितना सपोर्ट मिल सकता है दैट इज़ समथिंग दैट हम समझते हैं और हम ये आगे भी समझाना चाहते हैं हमारे लिए वेट्स के साथ काम करना फीडर्स के साथ काम करना कितने ही लोग हैं जो ड्यूरिंग पैंडमिक ऑल्सो हमने देखा कि कितने ही फीडर्स हैं जो स्ट्रेस को फेरल्स को खाना खिलाने की कोशिश करते रहे और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई
हर तरीके की, आर्थिक तरीके से प्रॉब्लम्स हुई, सोसाइटीज़ ने साथ नहीं दिया क्योंकि उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन था कि एनिमल्स के थ्रू किसी भी तरीके के पैंडेमिक में प्रॉब्लम्स होंगी. सो थ्रू ड्रूल्स हम चाहते हैं कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट कि दिस वी आर पार्ट ऑफ मदर नेचर, हम यहाँ पे वी हैव टू बी टुगेदर विद ऑल द स्पीशीज इन हार्मनी. And Drools as a brand wants to look after everything. I think as part of the society, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सोसाइटी को कुछ गिव बैक करें. And गिव बैक करने का ओनली तरीका यही है कि जो चीज़ हमें सृष्टि से मिली है हम उसका ख्याल रखें. And we are very happy that we have partners in Neha Sharma. She is a very very busy Bollywood actress. She's a fitness enthusiast. She's a fashionista. And बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग साथ आते हैं. शी हरसेल्फ इज़ अ पेट पेरेंट टू जॉय एंड हेन शी अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हर पेट. एंड एक पेट पेरेंट ही समझ सकता है कि कितना ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक पेट को खोने का दर्द सिर्फ एक पेट पेरेंट समझता है. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट नेहा एंड ड्रूल्स वी टुगेदर आर डूइंग सो मच. हमारी तरफ से एक छोटी कोशिश है. वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर भाग्यश्री फड़के फ्रॉम योडा. Yoda is an institute which is well known all over Bombay and else. Ma'am, please, agar aap thoda sa Yoda ke baare mein bataye. So well, Yoda has been an organization which has started about 10-11 years ago, and our main aim has always been to work for the strays, by the strays, with the strays is what we always do. And I'm very happy that you know you guys are taking care of our animals through Drools for however long that you are. And there's always, you know, scope with working for strays because it's never enough. How much ever you do for them, it's always little. You can always, you know, hope that people do more and keep doing more in whatever way they can. Yes. Even a small way is as good as anything is small. So yeah. Neha ji, being a pet parent, me also, like personally, I am a big pet parent. बहुत हमें ख्याल रखना पड़ता है, हमारे बिजी शेड्यूल से काफ़ी उनको ध्यान देना पड़ा. एंड नाउ एज यू हैव जॉइन विद ड्रूल्स, कोई ऐसा लाइक डू हैव एनी पर्सनल लाइक गोल फॉर देम? Yeah, the thing is, this is what I'm saying. आप भी एक pet parent हो. I feel like once you have a dog at home or a cat at home, no matter how busy your day is, आप जब घर जाते हो इतना सारा unconditional प्यार मिलता है उनसे. It's a different feeling altogether and I can't describe it. So like she was mentioning it's something that is inherent in dog parents. You want to care for animals and that just happens easier if you're a dog parent. So I think through this initiative हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने strays को हम मदद कर सकें, be it cats, be it dogs, for the next 3 months we want to do, especially for this shelter. And यही उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग जो भी animal lovers हैं, they can do their bit. मैम, इसके अलावा आपका हाल ही में गाना आया था पहली बारिश 26 जुलाई, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेट में रिलीज हुआ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस गाने को. उसके रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत खुश हूँ रिस्पांस को लेकर बिकॉज इट वाज अ मॉनसून सॉन्ग एंड इट्स मॉनसून, सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू फॉर ऑल द लव. लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली, जो गीरा सारा रिलीज हो रही है थिएटर्स में, देयर इज अ लॉट ऑफ कमोशन अराउंड वेदर इट्स रिलीजिंग OTT, वेदर इट्स थिएट्रिकल. इट्स अ थिएट्रिकल रिलीज, हम डेट जल्दी अनाउंस करेंगे. ऑफकोर्स देयर इज इलीगल 3 इन द पाइपलाइन एंड कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ व्हिच दे विल बी अनाउंसिंग शॉर्टली. एंड मैम, हाल ही में रणवीर सिंह की कुछ पिक्चर्स आई जिसको लेके काफ़ी चर्चा हुई सोशल मीडिया पे, ऑन एंड ऑफ द बॉलीवुड, आपको क्या कहना है उस पिक्चर को लेके? एक्चुअली इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती. दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर इट. लेट्स टॉक अबाउट ड्रूल्स एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. विद द 3 ऑफ अस. Thank you.
मैं जो स्ट्रेट हूँ प्रशांत कुठे पाहिजे पीछे से मिलो पीछे कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई पीछे हो ना मैडम इसको ले लो सब लोग आएंगे और यहाँ देखिए यहाँ देखिए मैडम छोटा है उसको ले लो जो बिजी है यहाँ मैम यहाँ देखिए ऊपर थोड़ा यस हाँ यस नाइस नाइस वेरी नाइस Yeah.